आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में यूपी में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में इस यात्रा की शुरुआत आज वाराणसी से की गई। यात्रा को लेकर अजय राय ने बताया कि काशी से सांकेतिक रूप से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से ये यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी। यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोग 20 तारीख को सहारनपुर से करने जा रहे हैं, माँ शाकुंभरी के दर्शन करके और उसको वहां से लेकर चलेंगे और लगभग हम लोग की यात्रा करीब 20 दिन चलेगी और जो सीतापुर में आकर नैमिषारण्य में समाप्त होगी। हो सकता है उसको आगे भी बढ़ाएंगे, पर अभी का प्लान यही है। फिर उसकी फिलहाल हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसमें 15 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख से खरमास का महीना शुरू हो रहा है, हम लोग उसमें कोई शुभ काम नहीं शुरू करते, तो 15 तारीख को ये बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोग चलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में संकल्प लेंगे और उस दिन से ये औपचारिकता, एक यात्रा की औपचारिकता एक हम वहां से प्रारंभ कर देंगे अपने घर से निकलकर और निश्चित तौर से ये 20 तारीख से प्रारंभ होगी यात्रा। बता दें कि कांग्रेस की ये यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के करीब 9 जिलों से गुजरते हुए सीतापुर तक जाएगी। कांग्रेस की ये यूपी जोड़ो यात्रा प्रदेश में करीब 25 दिन तक चलेगी, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और जिलों जिलों में लोगों से संवाद कर साधने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दलों को भी निमंत्रण दिया है और यात्रा में साथ देने के लिए शामिल होने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए हर जिला का प्रभारी भी नियुक्त किया है। इस तरह से कांग्रेस अभी से अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस को इस यात्रा से आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलता है, कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।